Oh एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सीधा पॉइंट पे आउंगी रमज़ान हो या ईद हो घर को सजाने का दिल तो करता है लेकिन इतना बजट नहीं होता हमारे पास कि हम यू you नो know, अपना घर सजा सकें या फिर इस तरह के आर्टिफिशियल फ़्लावर्स या दूसरी चीज़ें हम ला सकें तो ये खूबसूरत चीज़ें मैंने देखी मैं गई थी अलदीन पार्क की तरफ जो बुध बाजार लगता है बुध के दिन भी लगता है इतवार के दिन भी लगता है टाइमिंग्स होती हैं भाई ग्यारह बारह बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है रात के नौ बजे तक लगता है पचास रुपये से लेकर सौ रुपये से लेकर यहाँ पर तीन सौ चार सौ पाँच सौ हद से हद इतने तक का सारा सामान था डेकोरेशन का अच्छा मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो डेकोरेट की हैं और मम्मा के घर पे भी थोड़ी सी डेकोरेशन करवाई थी सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिला था तब मुझे या इस जगह का नहीं पता था कि यहाँ ये सब सामान भी मिलता है तो गाइज आप लोगों को बता रही हूँ ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा पूरा व्लॉग देखिएगा अप्रिशिएट कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ लाजमी चलते हैं हमारे व्लॉग की तरफ बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को समझा दी बता दी अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये छोटे छोटे आर्टिफिशियल खूबसूरत से फ्लावर्स जो आप देख रहे हो जिसको हम लोग अपने डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं इनके प्राइज़ेस स्टार्ट हो रहे हैं वो सबसे छोटे चुने मुन्ने वाले अगर आप देखोगे तो उसके प्राइस थे फिफ्टी रुपीज़ बड़े वाले के प्राइस थे हंड्रेड रुपीज़ उससे बड़े वाले प्राइस थे भाई वन फिफ्टी एंड टू हंड्रेड रुपीज़ ये जितने भी आप देख रहे हो अगर बड़े वाले आपको कहीं दिखेंगे तो उसके प्राइस हैं वन फिफ्टी से टू हंड्रेड बाकी हंड्रेड और आप यकीन करोगे कि जब मैंने अम्मी या अपने घर के लिए डेकोरेशन की थी तो ये एक एक पीस मुझे फ़ाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड का पड़ा था जो मैंने लिया था जहाँ से भी लिया था मट्टी डालते हैं उस बात को तो देख सकते हो आप लोग हर कलर मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत वाइट येलो ग्रीन मिक्स कलर बहुत ही ख़ूबसूरत फ्लावर्स थे और इनके प्राइस थे जस्ट हंड्रेड रुपीज़ गाइज मतलब हंड्रेड और वन फिफ्टी में अगर आपको यहाँ से मिल रहा है और मैं वैसे हर मार्केट विजिट कर चुकी हूँ आपको पता है घर की डेकोरेशन के हवाले से सब बहुत एक्सपेंसिव मिलता है तो आपने इधर आ जाना है अलदीन की तरफ बुद्ध बाजार अब आपने स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट बड़ी ज़बरदस्ती वैरायटी देखते रहोगे अच्छा एक तो ये थोड़ा सा राउंड शेप में थे फिर इसके अलावा आपको स्क्वायर शेप में भी शेप uh, में भी मिल जाएंगे ये आप लोग देख सकते हो ये भी राउंड वाले हैं ये वुड का काम हुआ हुआ था और इसके प्राइस भी थे वन फिफ्टी रुपीज़ तो वन फिफ्टी रुपीज़ टू हंड्रेड रुपीज़ में इस तरह के डेकोरेशन पीस मिलना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसी बचत बाज़ार में मिलेगा मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे बचत बाज़ार विज़िट किए हैं मैं आगे आपके साथ वो वीडियोस शेयर करूँगी ये एक लड़की दो जो अभी पकड़ी हुई थी ना फ्लावर्स वो जो इस तरह के कुछ जो है वो यार इसको बोलना नहीं आ रहा मुझे इसका कोई बड़ा ही खूबसूरत सा नाम है आप लोग खुद समझ जाना तो वो पूरा पेयर दे रहे थे वो बड़ा वाला फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ के दो पेयर दे रहे थे गाइस और ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो दिस इज़ जस्ट 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 हंड्रेड रुपीज़ मतलब आप पागल हो जाओगे अगर आपका बजट है कम फॉर एग्जांपल घर की जब डेकोरेशन करते हैं ना आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई होता है ये वाले यार ये पाँच सौ में दो मिल रहे हैं और अगर आप कम करवाओगे तो वो आपको चार सौ के भी दो दे देंगे गाइज़ मी ऑनलाइन अगर आप देखते हो तो दो से कम के नहीं मिल रहे दो हज़ार से कम के नहीं है ये वाली बास्केट आप देख रहे हो नॉर्मली कहीं से भी लोगे आपको तीन सौ चार सौ पाँच सौ रुपये की मिलती है ये सिर्फ़ वन फिफ्टी रुपीज़ में दे रहे हैं कुछ भी प्राइस नहीं है मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों तक इसलिए लाना चाहती हूँ और ये देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पर दिस इज़ जस्ट टू हंड्रेड रुपीज़ गाइज जस्ट टू हंड्रेड रुपीज़ दो सौ रुपये में ये वुड की तरह का इस तरह का बना हुआ बुके उसके बाद इसमें ये सारे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं आर्टिफिशियल वो भी खूबसूरत अच्छे फ्रेश ताज़े वाले बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यार दो सौ में तो मैं कहूँगी जान लोगे क्या ये सिर्फ आपको चीज़ें बताने का मकसद ये है कि सस्ती जगहें सस्ती दुकानें आप लोगों तक लेकर आऊं ताकि आप लोग भी अपने रमजान और अपनी ईद अच्छी कर सको डेकोरेशन का सबको शौक होता है लेकिन बजट की बात होती है ये देख रहे हो ये शिप स्टाइल में था ऊपर से थोड़ा सा हाउस स्टाइल दिया हुआ था इसके प्राइस भी जस्ट वन फिफ्टी रुपीज़ और टू हंड्रेड रुपीज़ समथिंग है ठीक है थोड़ा सा ये मिक्स एंड मैच का है हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्ट है फिफ्टी रुपीज़ से चीज़ें स्टार्ट है एंड देन उसके बाद वन फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज़ समथिंग का है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लावर्स थोड़े से चेंज करवाने हो वो करवा सकते हो कि यार येलो वाला हटा के ब्लू वाला कर दो बल्कि करवा की ज़रूरत नहीं है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बनाई हुई है जिसकी जैसी पसंद वो उस पर आ जाता है इसके बाद भाई हम आ जाते हैं मेरे फेवरेट आप लोगों ने अक्सर मेरे घर पर देखा होगा मेरे पास इस तरह के बहुत 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 सारे जो है ना आर्टिफिशियल ये बुके टाइप के फ्लावर्स टाइप के प्लांट टाइप के होते हैं तो ये मुझे शुरू से बहुत पसंद है जब मैं अपनी अम्मी के घर पे थी ना मतलब बहुत टाइम से मुझे आठ दस साल से मुझे बहुत ज़रूरत होती है कि भैया मेरे जो है ना वो कहीं पे भी हों हम ज़मीन पे सो रहे हों या फिर बेड पे सो रहे हों बराबर में ना कुछ अच्छा सा गमले के अंदर इस तरह के फ्लावर्स हों एक अलग ही खूबसूरत वाइब्स आती है आपकी है ना तो ये मुझे बहुत टाइम से इन सारी चीज़ों का शौक है यकीन करें एक वक्त में ये पचास रुपये के सौ रुपये के मिलते थे और ये मैंने अभी अपने घर की डेकोरेशन के लिए लिए थे फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ के गाइस फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ और यहाँ पर आपको पता है कितने के मिल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वन फिफ्टी रुपीज़ के हंड्रेड वन फिफ़्टी टू हंड्रेड रुपीज़ से ऊपर की कोई चीज़ नहीं है लुक एट दिस गाइज ऐसा लग रहा था मतलब इसको मैं रैप करूँ और जो है ना किसी की सालगिरह वालगिरह हो तो ये दे दूँ फिर ख़राब भी नहीं होंगे आर्टिफिशियल है अगला बंदा यूज़ भी कर लेगा यार ऐसा भी कुछ होना चाहिए आर्टिफिशियल फ़्लावर्स का भी वक्त आना चाहिए तो ये अभी आप खोलोगे ये बंच पूरा जो है इस बुके को आप पूरा खोलोगे तो ये अच्छा खासा होता है भैया अच्छी खासी अम्ब्रेला टाइप का बन जाता है इसके अलावा यार ओ माय गॉड मुझे आज तक याद है मैं जब लेने गई थी डेकोरेशन की चीज़ें में ये एक, -एक चीज़ वहाँ से पाँच सौ हज़ार रुपये की मिल रही थी एक एक चीज़ मतलब अजाब हो गया था मैं कह रही थी यार हम लोग कहाँ आ गए और हम क्या करें अगर आप लोग मेरे पहले वाली वीडियोस में जाओ तो जितनी भी दुकानें जितनी भी जगहें विज़िट करी उन सब में सबसे ज़्यादा सस्ती मुझे इनके भाई के पास मिली अल्लाह ताली इनकी रिस्क में बरकत दे जो इतने अच्छे फ़्लावर्स लगा रहे हैं बुध बाज़ारदीन की तरफ आप लोग जा सकते हो टाइमिंग्स वगैरह मैंने सारी आपको बता दिए हैं सुबह ग्यारह बजे से लेकर यार ये वाले देखो यार ये पिंक वाले और येलो वाले ओ माई गॉड मेरा दिल ले लिया था इन्होंने यार अच्छा इसके बराबर में जो रखे हुए हैं ना ये वन फिफ्टी टू हंड्रेड वाले हैं बराबर में मेरे ख्याल से ये ढाई सौ तीन सौ रुपये वाले भी हैं ठीक है थीके? ये दोनों मिक्स रखे हुए हैं जैसी चीज़ वैसे पैसे लेकिन अगर ये ढाई सौ तीन सौ के भी है ना तो ये मार्केट में आपको कम अज़ कम सेवन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ के मिलते हैं पाँच सौ रुपए के तो मिलते ही मिलते हैं गाइज़ मतलब ये बहुत बहुमाई गॉड लुक एट दिस गाइज़ ये वाइट वाले फ्लावर्स मुझे इतने पसंद है इतने पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती तो बहुत अच्छी दे रही हैं भाई ये जो पत्तों की लड़ियाँ होती हैं Uh, क्या बोलते हैं लीव्स वाली इसको कुछ अच्छा सा नाम है नाम शाम में क्या रखा है आप लोग जगह देख लो दुकान देख लो और अपना चीज़ें देख लो तो बाकी आप खुद समझदार हो देखो पिंक कलर यार ओ माय गॉड कितना कितना प्यारा लग रहा है ख़ूबसूरत लग रहा है और आप लोग यकीन कर सकते हो कि ये चन फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज़ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाइज़ जब ये इतनी मेहनत करके अच्छा सा ब्लॉग कि आप लोग भी अपना घर डेकोरेट करो यहाँ से चीज़ें लेकर तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग भी नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको सारे लेटेस्ट ब्लॉग मिल जाए अभी अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे जूते अच्छे जूते अच्छी अच्छी ज्वेलरी ये सब भी आपको देखने को मिलेगी इन मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा और मेहनत करूं क्योंकि यार मेहनत वाला काम है ये आपको जाना पड़ता है दुकानें चीज़ें बतानी पड़ती हैं गर्मी होती है वीडियो बनाते हो कोई बनाने देता है कोई नहीं बनाने देता कोई लोग मना भी कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब का बटन दबता है तो भैया मज़ा आ जाता है ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ इस तरह के कॉर्नर पीस हैं इनके पास अपने रूम में लगा सकते हो ड्राइंग रूम में लगा सकते हो डाइनिंग के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी इनके पास चीज़ें हैं मतलब मज़ा आ गया गाइज़ मुझे तो मेरी बहुत दुआएं निकल रही थी इनके लिए क्योंकि इन्होंने वाकई में बहुत ही रीज़नेबल इज़ में चीज़ें है मार्केट के हिसाब से बिकॉज मैं जाती रहती हूँ विज़िट करती रहती हूँ उसके हिसाब से इनकी दुकान पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं तो आप लोग इस बचत बाज़ार में जा सकते हो विज़िट कर सकते हो चीज़ें देख सकते हो इसके अलावा इनके पास और भी डिफरेंट ये हाउस होल्ड की और ये किचन वगैरह की चीज़ें थी लेकिन मेरा बेसिक मकसद था ये सारी चीज़ें दिखाना मुझे बहुत यूनिक लगा तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ भी शेयर करूं थोड़ा सा कुछ भला हो जाए ज़रा दुआ भी मिल जाए आप लोगों की अभी आप लोग मुझे देखोगे कि मैं कैसी हालत में यहाँ पर गई हुई थी यार आराम से अपना मुंह छुपा लिया मैंने मतलब मैं मास्क लगा लूँ लो, लोग देखेंगे तो पहचान जाएंगे वैसे मुझे कोई परवाह नहीं है भैया मैं तो बहुत ज़्यादा इन बचत बाज़ार और ये लुंडा टाइप्स बाजार जाती हूँ बिकॉज भैया ठीक है हम तो मुझे तो मतलब सुकून मिलता है जाके शॉपिंग करके देख के सस्ती चीज़ें खरीद के अभी थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़ा सा अपग्रेड हुई हूँ मैं कहती हूँ सस्ता ले बार बार महंगा ले एक बार लेकिन समटाइम आपका बचत आपका बजट नहीं होता आपको बचत करनी होती है उसके हिसाब से चलना होता है आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद हों बुध बाजार विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं घर को सजा सकते हैं आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो रखिएगा अपना बहुत ख्याल मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे बहुत ही दिल से बहुत ही प्यार से इतनी गर्मी में जाके आपके लिए मैंने स्पेशली वहाँ वीडियो बनाई है और इसके अलावा भी सस्ते कपड़े सस्ते जूते सस्ती ज्वेलरी इन पर भी वीडियो बनाई है और वो इन आने वाली है बहुत जल्द तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सिर्फ आपकी सब्सक्राइब करने से ना यार मेरे दिल को सुकून मिल जाता है मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार रूज तुम कुछ कर रही हो तो लोगों को पसंद आ रहा है प्लीज़ 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 चैनल प् को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड दुआओं में याद रखेगा अल्लाह हाफज